नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंजबासुदा शहर के आईपीएस स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 11th के स्टूडेंट सिद्धांत शाह ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, जिसके माध्यम से घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल में किया जा सकता है। यह ऑटोमेशन सिस्टम बहुत ही कम लागत में बनाकर इन छात्रों ने तैयार किया है। सिद्धांत के अनुसार इस मॉडल को बनाने में 3,500 रुपये का खर्चा आया है। इस सिस्टम को घर के उपकरणों से जोड़ने में सिर्फ 500 रुपये का खर्चा होगा, जिसके बाद घर में लगे ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज और आदि उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल के सहारे नियंत्रित किया जा सकेगा। इसे स्मार्ट होम सिस्टम भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति घर से दूर किसी भी स्थान पर होगा, उस दौरान व्यक्ति अपने मोबाइल के सहारे घर की बिजली के दुरुपयोग को भी रोक सकेगा। सिद्धांत और उनके दोस्त भविष्य में रक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भी कार्य करके देश की सेवा करना चाहते हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम सिद्धांत शाह है। मेरे ग्रुप में शुभम मालेकर, जतिन पटेल, विशाल राय, हम चारों ने मिलकर 2 मॉडल्स तैयार किए हैं, जिनका पहले का नाम है होम ऑटोमेशन और दूसरे का नाम है स्मार्ट डस्टबिन। जिनमें से होम ऑटोमेशन काम ये करता है, जिससे आप अपने घर की लाइट्स, फैंस और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो अपने मोबाइल के थ्रू या अपने स्मार्ट स्पीकर लाइक गूगल असिस्टेंट और सीरी और एलेक्सा के थ्रू आप दुनिया से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही नहीं, आपके जो मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं, पर्दों को खोलना, पर्दों को बंद करना, RGB पैनल्स, सिक्योरिटी सिस्टम, लॉकिंग मैकेनिज्म, ये सारे आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने स्मार्ट स्पीकर से दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका कहीं प्रदर्शन किया अभी आपने? हम लोग पीपल यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ हम लोग ने इनको दिखाया था। उसके बाद हम लोग ने एक स्मार्ट डस्टबिन भी तैयार किया है।